चल चल के फिलहाल टांगों का कुछ हल्का फुल्का बुरादा तो निकला है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आए तरक्की तो हमाम जरूर लें एक दफा। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो हम सामने जा रहे हैं, ये है सुल्तान सुलेमान ने मॉस्क बनाई थी, इसे कहते हैं सुलेमानिया मॉस्क। गोल्डन हॉर्न से आ रहे हैं और जा रहे हैं सुलेमानिया की तरफ। दरमियान में ये एक मदरसा है जो कि दाऊद पाशा ने बनवाया था। अगर आप आना चाहें तो इसकी एंट्रेंस जो है वो फ्री है, छोटा सा मदरसा है। ये रूम्स हुआ करते थे, यहाँ पे पढ़ाया जाता था। 14 रूम्स 14 सेल्स पे ये है। यहाँ पे फिलहाल इन्होंने लगाई हुई हैं ये तस्वीर वगैरह। आपको पता है सूफीज़म से तो टर्किश जो है वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है ना, जितना सूफीज़म आपको यहाँ मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। 5 बजे तक टाइम होता है, जितनी भी हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं 5 बजे के बाद बंद हो जाती हैं, तो बेटर है कि इस पर भी वही तस्वीरें पड़ी हुई हैं और किसी पर पढ़ लेते हैं। ऑटोमेटिक से टाइम किया एक वही बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की तस्वीर नजर आ रही है। ये देखें आप, ये तस्वीर जो है बहुत बड़े बड़े दाने हैं, इसकी कोई हिस्ट्री लिखी नहीं हुई, लेकिन ये बड़ी यूनिक टाइप की है। बस ये मदरसा है। अगर आप सुलेमानिया मॉस्क की तरफ जा रहे हों तो रास्ते में कोशिश करें कि इस मदरसे से आप होते जाएं। एक हिस्टोरिकल प्लेस है और ये अंदर इसका सारा वो है जहाँ पे ये बच्चों को पढ़ाया करते थे। चलें जी, पहुँचने वाले हैं पैदल चल चल के। फिलहाल टांगों का कुछ हल्का फुल्का बुरादा तो निकला है, लेकिन अगर आप टर्की आते हैं तो ये सारा हिली एरिया है, इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हो के आएँ कि चलना आपको बहुत पड़ेगा। ये लिखा हुआ है जी यहाँ पे, मेमार सिन्नान ने 1550 से 1557 तक ये मस्जिद बनाई थी। ये हमाम और ये मस्जिद ये आमने सामने है और ये इकट्ठे इन्होंने बनाए थे सुलेमानिया मॉस्क। ये दोनों जो है सुल्तान सुलेमान खान ने बनवाए थे और ये बंद कर दिया गया था 1924 के अंदर, और फिर ये 2004 से अब ये आगे चल रहा है। लेकिन इसकी जो है रिजर्वेशन लेके इसमें आपने अगर हमाम लेना, टर्किश हमाम जो होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आए टर्की तो हमाम ज़रूर लें एक दफ़ा। सर गेट आप देख कर आपको अंदाज़ा होगा ये बहुत ओल्ड मस्जिद है। मेमार सन्नान जो था वो इब्राहिम पाशा, जो बारगाली इब्राहिम पाशा वज़ीर आज़म थे, उनका बड़ा करीबी था और उन्होंने ही जो है इसको डिस्कवर किया था। एक जंग के अंदर मेमार सन्नान ने जो है वो एक ऐसा पुल बना के दिया था पानी के बहाव के अगेंस्ट। उसने एक ऐसी टेक्निक बताई थी कि जो जो है उस पे पुल जो मेमार कह रहे थे नहीं बन सकता एक जंग के दौरान, वो पुल बना दिया उसने। मुझे पानी के बहाव के अंदर रुकावटें पैदा की और वहाँ पर पुल खड़ा कर दिया, और उसकी बेस के ऊपर उसको इब्राहिम पाशा की निगाहों में आ गया, और फिर सुल्तान सुलेमान खान की निगाहों में इब्राहिम पाशा की वजह से आ गया। और ये मस्जिद जो है वो इब्राहिम पाशा ने सुल्तान सुलेमान खान ने बनवाई स्पेशली उसे कह के, और इस मस्जिद को 6-7 साल लगे बनते हुए। और सुल्तान सुलेमान खान चाहते थे कि ये मस्जिद आर्किटेक्चरल मार्वल हो, जो कि ये है भी सही। जो सामने आपको नज़र आ रहा है मकबरा, ये हुरम सुल्तान का है। सुलेमानिया मॉस्क जो है ये बहुत हिस्टोरिकल मॉस्क है, बहुत ही हिस्टोरिकल मॉस्क है। निशानात बने हुए हैं, इनका क्या मतलब है।